हे गाइस, वेलकम टू रेस एकेडमी। और आज हम ऑक्टोगन बनाएंगे। तो ये देखिए, और ये ऑक्टोगन इंस्क्राइब रहेगा सर्कल में, मतलब कि हमें ऑक्टोगन की लेंथ नहीं दी रहेगी, मगर हमें समझिए डायामीटर दिया रहेगा। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि हमें समझिए 100 mm का अगर डायामीटर दिया हुआ है और बोला है कि आप ये 100 mm के डायामीटर लेके आप एक ऑक्टोगन बनाइए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखिए, एक 5 सेंटीमीटर ले लेंगे रेडियस, जो कि मतलब 500 mm हो गया, और सॉरी 50 mm हो गया। और ये देखिए, इसको लेने के बाद हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे ये 100 mm डायामीटर का। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इस पे एक वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली डायगनल बनाएंगे, जो कि मतलब इसको कि इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सके सर्कल को, ठीक है। तो ठीक है, तो देखिए हमने सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, जितने भी देखिए एंड पॉइंट है, इससे एक टच करके बनाते हुए एक स्क्वायर बना देंगे, ठीक है। तो ये देखिए, लाइन बनाते हुए एक स्क्वायर बना देंगे, ठीक है। तो देखिए हमने स्क्वायर बना दिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम क्या करेंगे कि देखिए, कोई भी दो साइड है ना ये स्क्वायर की, इस पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, ठीक है, दोनों पे। तो आपको पता होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम किस तरह से बनाते हैं, जैसे कि देखिए ये जो लेंथ, ये जो स्क्वायर की लेंथ है उससे आधे से ज्यादा लेंगे और एक आर्क बनाएंगे, ठीक है। दोनों नीचे और ऊपर दोनों तरफ आर्क बनाना रहता है, तो लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि आर्क लंबा बना दे रहा हूँ कि प्रॉब्लम ना हो, बाद में आप रफ कर देना जब आपका कंप्लीट हो जाए। और उसके बाद एक आर्क देखिए, हमें दोनों साइड बनाना है, इसके लिए मैं एक आर्क ऐसा बना दे रहा हूँ, ठीक है। और एक आर्क आप इस तरह बना दीजिए। तो देखिए हमें पॉइंट मिल गया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए। तो देखिए ये एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, और एक पॉइंट इधर, और एक पॉइंट इस तरफ, ठीक है। तो क्या करूंगा, अब मैं ये 2 पॉइंट से पास करते हुए एक लाइन बनाऊंगा, और लंबी लाइन बनाऊंगा कि ताकि इस तरफ का भी कट जाए, क्योंकि ये देखिए ये जो दोनों लाइन है ना सेम है, इसके लिए इसका और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों का सेम ही रहेगा। तो इसके लिए मैंने थोड़ा टाइम ना वेस्ट हो, इसके लिए मैंने एक ही तरफ बनाया हूँ, और ये नीचे तक मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा। तो देखिए इसका भी मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल गया, ठीक है। और कुछ इसी तरह से मैं इस तरफ भी बनाऊंगा। तो अब देखिए, ये देखिए जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जहां पे ये देखिए लाइन जहां पे सर्कल को टच करिए, वो हमारे ना ऑक्टोगन के ना पॉइंट्स मिल गए। तो देखिए अभी ऑक्टोगन्स के पूरे पॉइंट को मैं नेम कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये हो गया ए, कुछ इस तरफ, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी, और ये हो गया ई, ये एफ, ये जी, और ये वाला हो गया हमारा एच, ठीक है। तो मुझे पेंटागन सॉरी ऑक्टागन के सारे पॉइंट्स मिल गए, 8ों के 8। तो अब मैं क्या करना है, मुझे सिर्फ ऑक्टागन बना देना है, जो कि मैं थिक लाइन से बनाऊंगा, बाकी सबका सब थिन लाइन से बनाऊंगा, और ये वाला थिक लाइन से बनाऊंगा, क्योंकि यही मेन हमें पूछा था, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपका टाइम कम वेस्ट हो। तो देखिए मैंने ऑक्टोगन बना दिया हो, और ये देखिए पूरे की पूरी 8 साइड है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और आगे हम और एक ऑक्टोगन बनाएंगे जिसमें कि हमें साइड दी रहेगी, और जो कि इंस्क्राइब नहीं रहेगा सर्कल में, ठीक है। अगर उस तरह का आपको अगर प्रॉब्लम आता है तो आप वैसा वाला भी ऑक्टोगन मैं आपको बता दूंगा, जिससे आप इजिली ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है।
ठीक है, तो देखिए बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और अगर आपने वीडियो मेरा पहली बार देखा है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और आगे हम कुछ इसी तरह से टफ सम सॉल्व करते रहेंगे और कुछ इंजीनियरिंग की और भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।